वन मोर थिंग अगर किसी भी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होती है जिसने पेड मेंबर है अपनी कम्युनिटी का सर्वर पे तो मैं संडे को अवेलेबल हूं आ, तब मेरे को पिंग कर देना या चैट सेक्शन में अपने डिस्कॉर्ड पर पिंग कर देना मेरे को कि सर प्रॉब्लम हो रही है चैट सेक्शन तो मैं संडे को जैसे ही टाइम होता है सात से आठ बजे के टाइम पे लाइव होता हूँ नौ बजे तक भी होता हूँ कई बार तब मैं आपका ये सेटअप करवा दूंगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चे को मैं जो कोड दे रहा हूं वो उसका एग्जीक्यूट हो अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वर्कआउट चीजें नहीं होंगी आप डेवलपमेंट क्विट कर दोगे इसलिए मैं जितनी भी माइनर से माइनर चीजें हो सकती हैं आपको बता रहा हूं आपकी यारी दोस्ती करवा रहा हूँ टूल के साथ अगर टूल को समझ गए चलाना तो सारी चीजें समझ जाओगे ठीक है टूल बहुत ज्यादा जरूरी है जिस टूल से आप काम कर रहे हो उससे प्यार करना सीखो उसकी हर एक चीज उससे बातचीत करो कि भाई क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है कैसे बोल रहा है अब यहां है सारा खेल यहां से मैं आपको बताऊंगा दो तरीके आज के टाइम पे ठीक है एक जो मैनुअल है और एक जो ऑटोमेटिक है अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको ये दोनों बता रही हो जितने भी एरर आते हैं जितनी भी चीजें आती है आपको उन्हें कैसे समझना है वो कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करोगे मुझे नहीं पता आप इतने साल बाद ये वीडियो देख रहे हो। शायद एक साल, दो साल, तीन साल बाद तब भी ये वैलिड रहे हो सकता आपने कर रहे हो, कहीं सर्वर सेटअप आप नहीं हुआ उन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं जो भी मैंने अपनी जवाब आठ साल में सीखा वो यही सीखा कि बच्चे का पेन पॉइंट ही एक सेटअप करना है फिर तो वो डेवलपमेंट शुरू कर देगा लेकिन उसका सेटअप ही नहीं होता जब वो चलता नहीं है तो कितना भी उसको कोड दे दो जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी छोटा एक आपको डेमो दिखा देता हूं ये एक अपना कोड है जो मैं एक वेदर एप्लीकेशन बनाया ये मैंने आपको दिया है ओके okay, एंड अब आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने डिवाइस में आप क्या करोगे रन एस पे जाओ रन ऑन सर्वर पे जाओगे एंड यहां पर आपने क्या किया ये नाइन किया नेक्स्ट किया फिनिश किया ठीक है बस अभी आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा ये क्या चल रहा है कैसे चल रहा है ओके ये देखो यहाँ से ये हुआ यहाँ पर मैंने क्लिक किया सर्च किया तो अभी इसके अंदर ही ये ब्राउजर खुल रहा है ओके ब्राउजर को आप बाहर भी खोल सकते हो ये इसके अंदर चल रहा है तो हमारा ऐसे एप्लीकेशन वर्कआउट कर रहा है लेकिन ध्यान से एक नीचे देखो चीज ये सर्वर आ रहा है सर्वर में देखो अगर ये सब नहीं आ रहा है आपको लाइक कंसोल और यहाँ सर्वर है ऐसे ठीक है अगर यहाँ से आपको कंसोल दिख रहा है तो आपको यहाँ आना है सर्वर पे ये चीजें अगर आपको नहीं दिखती हैं फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसा होता है तो ध्यान से देखो यहां से चीजें चली गई हैं लेकिन इस तरफ ये चीजें आ गई हैं आप ऐसे करोगे ओपन ये देखो कंसोल खुल जाएगा फिर यहां पे डबल क्लिक कर दो दोबारा यहाँ आ जाएगा यहाँ से इसको माइनस कर दोगे गायब पहले तो आपको ना टूल से प्यार करना सीखना चाहिए तो दोबारा ये मैंने मैक्सीमाइज कर दिया सर्वर पे आ गए अब यहाँ पे आपको दो सर्वर दिख रहे हैं हो सकता है आपने किसी के कहने पे और साथ कर लिए होंगे ठीक है अब यहाँ पे देखोगे ये एप्लीकेशन बखूबी इसमें चला अब मैं देखो इसमें जा रहा हूं एक और है मेरा न्यू वेदर ऐप सेम यही है मैंने किया रन एज रन ऑन सर्वर मैं एरर तुमको जनरेट करके दिखाना चाहता हूं क्योंकि इन चीजों से मैंने बहुत फेस किया है तो देखो अब मैं इस पर चला रहा हूं टेन नेक्स्ट करूंगा फिनिश करूंगा अब देखो क्या है एक एरर आया स्टार्टिंग टॉमकैट वी टेन पॉइंट वन लोकल होस्ट ये एट जीरो जीरो फाइव तो मैं आपको अगर एरर जनरेट करके दिखाऊं तो आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये एरर हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी एरर हो सकता है चीजें लाइक एक और मैं आपको दिखाता हूं जैसे न्यू वेदर किया बोला ये टेन पे कर रहे थे ठीक है था। था टेन में दिक्कत है आपको ऐसा लग रहा है ओके रन ऑन सर्वर गया एंड इस बार हमने यहाँ पे अच्छा हो सकता है ये आपका फ्रेश हो तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखे ना वो भी अपन एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक किया नेक्स्ट करोगे फिनिश करोगे आपने कुछ देख नहीं रहे तो यहाँ आ गया दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी रन ऑन एनी सर्वर ये एरर भी हो सकता है तो सभी एरर कुछ ना कुछ आपसे बोल रहे हैं आप देखोगे हर बार कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आता है जो आपसे कुछ बोल रहा है लेकिन आप उसके कैपेबल नहीं हो उस चीज को समझने के लिए आज मैं वो समझ दे दूंगा कि सर्वर क्या होता है कैसे काम कर रहा है और ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें आ जाएंगी जो मैंने छह सात सालों में सीखी तो इससे क्या होगा ये फ्यूचर प्रूफ मेरी वीडियो बन जाएगी कि भाई दो तीन साल बाद भी कोई बंदा देखता है तब भी उसको पता होगा बेशक उसके टाइम पे चीजें बदल चुकी हूं तब भी वो चीजें कर पाएगा जिसका भी ऐसे जिसने भी अपने इन्वायरमेंट में गंद मचा रखा है जिसको भी एक फ्रेश स्टार्टअप चाहिए वो क्या है सिंपल फाइल जाना स्विच वर्क स्पेस बस स्विच वर्क स्पेस पे क्लिक कर दोगे अदर यहां पर आपका ये वो वर्क स्पेस है जहां आप काम कर रहे हो उसके आगे वन डाल दो एंड लॉन्च कर दो बस अब आपको ऐसा ही इक्लिप्स दिखेगा जैसा इक्लिप्स आपने पहली बार इंस्टॉल किया था और आपको दिखा था एक वेलकम पेज आया था हो सकता है आपके टाइम पे एक नया वेलकम पेज आए

अगर आप यहां पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ पॉपअप आएगा यहां से सीधा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो आप है ना लेकिन ये वीडियो मैं किस पे बना रहा हूं इस तो इसको मैं बिल्कुल कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से कैंसिल जैसे ही करूंगा एक नई विंडो खुलेगी अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ कुछ कर देता हूँ तो एक अलग विंडो आएगी ओके ये चीज मेरी याद रखना तो मैंने यहाँ पे किया कैंसिल अब देखो यहाँ पे एक ऐसी कुछ चीजें आ गई ये आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ये आपको ना मिले ऐसा तो आपको क्या करना है यहां पर जाना है एंड इसमें आना है परस्पेक्टिव और इसमें कर देना है रीसेट परस्पेक्टिव ओके okay. तो भी आपका ऐसा खुल जाएगा इसमें आपको नीचे बहुत सारी चीजें दिखेंगी यहाँ सर्वर दिखेगा यहाँ टर्मिनल दिखेगा ये चीजें हैं तो अभी हमारे को सर्वर से लेना देना है अगर नहीं आ रहा एक और तरीका है विंडो शो व्यू और शो व्यू में अगर आप ध्यान से देखोगे सर्वर एक ये जगह और एक ये जगह क्या आपको दोनों जगह समझ में आई कि यहां से भी आप सर्वर ओपन कर सकते हो अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा नो सर्वर आर अवेलेबल जहां मैंने लास्ट वीडियो आपको छोड़ी थी कि सर्वर सेटअप दिखाऊंगा अब यहां से अब जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा बिल्कुल फ्रेश में भी आपको ऐसा ही दिखेगा मैंने वर्क स्पेस चेंज कर दिया इसका मतलब बिल्कुल फ्रेश अब यू समझ लो कुछ शायद फॉन्ट वॉन्ट बदल जाए कुछ डिजाइन बदल जाए आपका व्हाइट से ब्लैक हो जाए थीम किसी भी टाइम में आप देख रहे हो क्योंकि मैं तो छह सात सालों से ये चीजें देख रहा हूं ओके बहुत रेयर ही चेंज होती है तो यहां पर आपको करना है अपाचे मैं अपाचे टॉम का सर्वर सेटअप करवा रहा हूं तो अपाचे पे आओ अब यहां पे देखो बहुत सारे खुलेंगे इसके अंदर अगर आप बात करोगे इसको थोड़ा खींचते हैं ये देखो इतने सारे वर्जन आ जाएंगे या इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप अपाचार डाल देना शायद आप किसी और टाइम में हो तो तो अपाचे यहाँ पे आ गया अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग के किसी वर्जन पे क्लिक कर देते हैं सर्वर पे और उसको क्या कर देते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं हर एक

रिसेंट या लोकल होस्ट और इसका ये अपने आप सर्वर नेम लग जाएगा अपने आप आपको करना है नेक्स्ट ये नोट कर लो स्क्रीन ले लो बेशक क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है अब यहां है सारा खेल यहां से मैं आपको बताऊंगा दो तरीके आज के टाइम पे ठीक है एक जो मैनुअल है और एक जो ऑटोमेटिक है अभी तक YouTube पर कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको ये दोनों बता रही हो जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो देर आर टू पॉसिबल वेज जिससे हम एक अपाचे टॉमकेट सर्वर को सेटअप कर सकते हैं पहला एक होता है मैनुअल जो लोग करते हुए आ रहे हैं और एक जो जावा ने किया है भाई कि इतना यार वो सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप एक टूल को कितना समझते हो ये टूल में खासियत है ऑटोमेटिक ओके सो अब एक दो चीजें हैं आप ऑटोमेटिक वे से भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कहीं से जिप फाइल करना अनजिप फाइल करना कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी भी आपको वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है एक ऑटोमेटिक वे है जिससे आपका सेटअप हो जाएगा दूसरा एक मैनुअल वे है जो लोग करते हैं वीडियोज में दूसरों में दिखता है हम दोनों ही करेंगे क्योंकि क्या पता आपको कब किसकी जरूरत हो क्या पता आपका वो टूल उस टाइम काम ना कर रहा हो ओके तो हम हर एक चीज को ध्यान में रख रहे हैं तो पहले बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक अब आपने क्या करना है यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ अपाचे का जो भी आप टॉमकेट सर्वर है उसका वो दिख जाएगा यहाँ पे आप करो क्लिक डाउनलोड एंड इंस्टॉल इधर आप आपको क्या है आई एक्सेप्ट पे आ रहा है ठीक है ये पूरा एग्रीमेंट है कुछ शायद चीजें और थोड़ी बदल बदलने तो बस ये होगी मैं मेरी डिफॉल्ट में फिनिश अब फिनिश में आपको क्या है किस पाथ पे चाहिए यहाँ पे तो ये आ गया जैसे मेरा ये टेन पॉइंट वन पहले ऑलरेडी है मैं आपको बिल्कुल फ्रेश दिखा दूँ तो डेस्कटॉप पे गया मैं एक मैंने सर्वर फोल्डर बना रखा है बिल्कुल ब्लैंक है इस सर्वर फोल्डर में कोई फाइल है नहीं है नॉट इट बिल्कुल क्लीन है ऐसे ही कोई भी एक फोल्डर कहीं बना लेना या में टॉमकेट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट बोला आपने तो सर बोला ऑटोमेटिक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा कहां हो रहा है क्या हो रहा है देखो ध्यान से नीचे इंस्टॉलिंग अपाचे टॉमकेट टेन पॉइंट वन पॉइंट वन है

क्यों नहीं मिलेगा जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तो पेशेंस बनाए रखो उस चीज़ के लिए हम वेट करते हैं ये कब तक होगा तो थोड़ी देर में ये वीडियो मैं यहाँ से काट दूंगा क्योंकि जैसे ही ये हो जाएगा ना यहाँ दिखने लग जाएगा तो बट ये गलती बिल्कुल मत करना ये गलती आप यहाँ करने लग जाओगे ना फिर से डाउनलोड इंस्टॉल पे कर दो एक क्लिक तो वो ना एग्जीक्यूशन और स्लो हो जाएगी तो दो चार बार आपको क्लिक नहीं करना है पेशेंस बनाए रखना है तो इसको मैं कर रहा हूँ सो इस फोल्डर को मैं तो ये देखो इस फोल्डर में हमारा आ गया और यहाँ पे भी कंप्लीट यहाँ पे भी कोई प्रोसेसिंग नहीं चल रही है आ गया टेन पॉइंट वन अपने आप अपने फोल्डर में मैंने नहीं डाला है ठीक है अब इस चीज को मैं थोड़ा हटाता हूँ और ध्यान से ऊपर देखो सिलेक्ट द स्पेसिफाइड इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी आ गया इससे पहले एरर आ रहा था बेशक थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लो यहाँ एरर था वो एरर ऑटोमेटिक चला गया आपने कुछ नहीं किया जस्ट वेट किया इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट किसी भी टाइम पे देख रहे हो ये वीडियो ये मेरा काम करेगा ही करेगा ऑटोमेटिक है है ना अगर ये अब यहां आ गया हमारा सर्वर आ गया कि नहीं आ गया यहां क्या लिखा है स्टॉप अब यहां पे स्टॉप है इसको आपको एग्जीक्यूशन करना है तो आपके पास दो तरीके दो तरीके राइट क्लिक करो यहां पे स्टार्ट आ जाएगा दूसरा तरीका ये वाला यहां हरा बटन है यहां स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा तो अभी तो फिलहाल मैं यही वाला कर दिया अब यहां पे आएगा स्टार्ट ये यहां पे चल गया वापस आ जाएगा अपने आप सर्वर के पास और सर्वर में लिखा जाएगा, में आ जाएगा स्टार्टेड सिंक्रोनाइज्ड कंसोल में आएगा कुछ भी नहीं ठीक है कंसोल में नीचे सर्वर सेटअप सक्सेसफुली यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया आपका सर्वर सही से सेटअप हुआ है अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है कुछ चीजें हो जाती हैं तो आपको क्या करना है तब आपको क्या करना है यहाँ पे आना है इसको करना है क्या क्लीन क्लीन कर दो जैसे मैं क्लीन कर दूंगा फिर इसके बाद मैं इसको स्टॉप करूंगा एक बार स्टॉप सर्वर पे वापस इसको हमने क्या किया क्लीन करा ठीक है क्लीन कर दिया अब इसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया इसके बाद फिर से एक बार इसको

दूसरा अब मैनुअल आ जाते है अब मैनुअल में क्या है हमने तो ऑलरेडी ये सेटअप कर दिया अब मुझे कैसे पता चलेगा यार मैं कैसे करूं दूसरा मेरे पास तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर्वर को सेटअप करने का प्रॉब्लम फंस गई कि नहीं फंस गई सिंपल है इसको उड़ा दो ये नया या तो एक और जाओ एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करो नए वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा नए वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा न्यू यहाँ पे फाइल में जाना है स्विच वर्क स्पेस में अदर्स में और अदर में अब यहाँ पे टू की जगह थ्री कर देना या मेरा जो वन है वन है तो टू कर देना बस एक और नया स्पेस सेम चीज है वहाँ पे आ जाएगा नो लेकिन इतना मैं नहीं करवाना चाहूँगा मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा यहाँ आओ इसको क्या कर दो डिलीट राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो ठीक है राइट क्लिक और डिलीट यहाँ पर डिलीट कर दोगे तो ये गायब बोला तो कहाँ गायब हो गया होगा देखना चाहोगे सर्वर पर आओ दोबारा ये देखो कुछ भी नहीं है अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो पता है मैंने कैसे बताया एक रीसेट कर लेना परस्पेक्टिव या विंडो में जाके यहां से सर्वर पे क्लिक ले आना शो व्यू और सर्वर ओके तो बार वहीं आ गए जहां से शुरू हुई गानी अब आओ यहां आओ अब मैं चाहता हूं अपाचे अपाचे का इस बार मैंने क्या किया था टेन पॉइंट वन किया था है ना मैं कोई और वर्जन करता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरा नाइन है ओके मैं नाइन करता हूं यहां पे अब नाम आ गया अभी इससे पहले नाम नहीं आ जब तक मैं चूज नहीं किया नेक्स्ट क्लिक करूंगा अब मैं यहां पर कोई भी सर्वर अपना ऑटोमेटिकली नहीं करूंगा ठीक है मैनुअल वे यहाँ ब्राउज किया अब यहाँ पे तो टेन आ रहा है जैसे मैं टेन पे क्लिक करूंगा सिलेक्ट टेन पे क्लिक किया मैंने ओके ये बिन फोल्डर ऐसा कुछ दिख गया और सिलेक्ट किया ये आपका नहीं वर्कआउट होगा ये बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं कि भाई कोई सर्वर का कोई पाथ और किसी का कुछ जोड़ देते हैं तो यहाँ ऊपर पढ़ो वो कुछ ना कुछ कह रहा है टूल आपसे दी अपाचे टॉम कैट इंस्टॉलेशन एट दिस फाइल 10.1 यही गलती कर देतेट सर्वर ही नहीं हो रहा ये पेन है तुम्हारा मैं समझ सकता हूँ तो अब आपको ये क्या करना है आपको मेनुअल करना यानी कि इसमें यहाँ पे जैसे टेन ऐसे नाइन का फोल्डर चाहिए और नाइन के फोल्डर में ये सारी चीजें चाहिए वो कहा से आएगी वो आएगी ब्राउजर से अब ब्राउजर में आके आपको क्या सर्च करना है आपको डालना है अपाचे टॉम कैट अपाचे टॉम कैट ऐसे आप डाल दोगे ऐसा कोई वेलकम पेज आ गया कुछ और चीजें होंगी एक वेलकम पेज पे हम पहुंच जाएंगे आपको ये जैसे ही मेरे पास एक डिफॉल्ट पेज खुला है क्योंकि आज के टाइम पे 10.1.5 हमारा है रिलीज हुआ है हो सकता है आपके टाइम पे कोई और चीजें हो तो आपका कोई और वर्जन हो अभी हम जो वर्जन कर रहे हैं वो कौन सा ढूंढ रहे हैं नाइन थोड़ा तो स्क्रॉल करोगे नाइन दिख जाएगा डाउनलोड कहां से करना है ऐसे तो यहाँ पे भी एक डाउनलोड वाले में ऑप्शन में दिख रहा है और यहाँ पे अपाचे टॉमकेट नाइन दिख रहा है जैसे ही नाइन पर आ जाओगे अब यहाँ पे नाइन पे इतनी सारी आपको चीजें खुल जाएंगी यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिक्सटी फोर बिट है थर्टी टू है मोस्ट ऑफ द सिक्सटी फोर बी टी होती सबकी तो ये कर लेना है आपको इसमें सिक्सटी फोर बिट पे क्लिक कर दो बस यहाँ आपका एक आ, वो शुरू हो जाएगा कि भाई डाउनलोडिंग हो रही है यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे ना शायद आपको दिख नहीं रहा है मेरे को ये दिख रहा है ओके okay. तो देखो ऐसे आपको आएगा इसको ओपन करना है अब यहाँ डाउनलोड्स में आ चुके हैं जिप फाइल आ चुकी है भी आ रही है लेकिन मैं इसको क्या करूँगा कॉपी करके पूरे इसको जिप फाइल को कहाँ ले जाऊँगा अपने सर्वर वाले फोल्डर में तो एक बार मैं वो ले जाता हूँ ये रहा हमारा सर्वर फोल्डर और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया वो डाउनलोड से उठा लाऊंगा पूरा फोल्डर का फोल्डर अब यहाँ जिप है इसको अनजिप करूंगा अनजिप जैसे ही करूंगा मेरा क्या हो जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना एक पॉपअप आएगा वो पॉपअप मेरे को तुम्हें नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है ठीक है तो मेरी सेटिंग वैसी है थोड़ी इसके अंदर तो इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेना सभी फाइल्स को राइट क्लिक करके यस yes. डन जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया एक और पॉपअप खुल के आ गया ओके okay, ये इसके अंदर इसको क्लोज कर दो हमारे को जरूरत नहीं अब हमें समझ में आए ये दो चीज़ें तीन अब ये जिप फाइल को आराम से डिलीट कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो ओके okay. नाम चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो क्योंकि देखो आगे का तो है सेम और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ध्यान से देखो टेन पॉइंट वन में जाओगे सेम वही फाइल थी जैसे बिन फोल्डर ये सारी चीज़ें आ रही हैं ऐसे ही आप नाइन पॉइंट में देखोगे इसमें नहीं आएगा इसमें आपको सिर्फ अपाचे टॉम केटर का एक वो आया और एक ये क्योंकि जब मैंने जिप किया तो उसके फोल्डर के अंदर फोल्डर बनता है आपको चाहिए ये वाला पाथ जहां पर ये सारी फाइल्स हैं ओके okay, इस पाथ को या तो यहां से कॉपी करके ले जाओ या फिर इसको क्या कर दो क्लोज कर दो यहां पर आपको क्या कर रहा है ये एरर दे रहा है ना अब देखो एरर जाएगा ब्राउज करना है ब्राउज पे आना है टेन पॉइंट वन से बाहर आए अब नाइन पॉइंट जीरो एट में गए यहां भी जाओगे यहां तक अगर आपका बंदा चला गया तुम चले गए और यहां देखोगे तब भी ये कहेगा अननोन वर्जन ऑफ स्पेसिफाइड जबकि हम तो नाइन में है नहीं हमको तब तक उसके अंदर जाना है जब तक हमको ये सारे फोल्डर्स ना दिख जाए ठीक है, जैसे हमको ये हो गया। हो गया यहाँ करो, करो पर आ गया हमारा अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा वो कैसे चलेगा इसको जाना है और यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं इस बार सर्वर सेटअप ऑटोमेटिकली आ गया स्टार्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है कंसोल भी आ रहा है यहाँ पे मस्त चीजें चल रही है हमारी एंड अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है इस पर डबल क्लिक कर दो जैसे डबल क्लिक कर दो आउटलाइन को थोड़ा हटा देते हैं यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी ये तो हमारा एक और तरीका जिसमें हमने मैन्युअली सेटअप किया अपाचे टॉम गेट को क्या तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे हुआ है ना तो ये नाइन अब हमने नाइन कर लिया अब मैं चाहता हूँ वो टेन भी क्या वो टेन मेरे पास है यस वो है लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब मैं दोनों सर्वर को कैसे चलाऊंगा यहाँ पे स्टार्टेड है ये भी सर्वर चल रहा है बखूबी अब ये स्टार्ट तो हो गया अब मैं एक बार चेक करता हूँ इस पर मेरा एप्लीकेशन चलेगा कि नहीं सारा तो आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो न्यू गए डायनामिक वेब प्रोजेक्ट यहाँ आ जाओ और प्रोजेक्ट का नाम फटाफट से डाल दो माए अभी आपका अगर यह नाइन वर्जन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने नाइन रीड कर लिया है उसी हिसाब से फोर पॉइंट वन जीरो का मॉड्यूल दे दिया है कुछ नहीं करना है आपको ये चीजें चल रही हैं ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा अगर आपका पहले से सर्वर सेटअप है तो अगर सेटअप नहीं है तो ये सब नहीं रीड करेगा ओके तो सेटअप पे पहले कर लेना टॉम कैट नेक्स्ट फिर नेक्स्ट कर दो एंड इसके बाद जनरेट वेब एक्सएमएल जरूरी है इस पर क्लिक करना और फिनिश कर देना बस अब आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमें चेक करना है कि वो चल रहा है कि नहीं तो राइट क्लिक किया हमने इस पर एंड इसको अभी आप रन ऑन सर्वर करो रन ऑन सर्वर में आओ नाइन पे नेक्स्ट फिनिश अब देखते हैं ये नहीं यहाँ पे री स्टार्ट और कंटिन्यू हम चाहते हैं वैसे स्टार्ट हम री स्टार्ट करेंगे ओके री स्टार्ट वाला बटन दबा दिया देखते हैं ये चल के क्या देता है आउटपुट तो इसने एक आउटपुट आया ये फोर जीरो फोर ठीक है क्यों आया कैसे आया तो इसका एक सिंपल सा रीजन हमारे पास वो फाइल नहीं है जो यहाँ पर प्रिंट हो सके यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट एट्टी एट्टी ये कैसे आ रहा है कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है आपका इस दर से ये एट्टी एट्टी से ठीक है एक बार मैं फिर से आपको ये इसमें क्या करना है अब आपको आ, राइट क्लिक उस प्रोजेक्ट पर जाके राइट क्लिक एंड न्यू न्यू पर क्या करना यहाँ पे या तो आपको सर्वलेट दिख जाएगा बड़ी स्क्रीन है तो वरना अदर्स में जाना और यहाँ डालना सर्वलेट ओके यहाँ सर्वलेट नेक्स्ट एंड यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो माई पैकेज लिख देना ऐसे हमारा कुछ सेटअप हो रहा है अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ करवलेट ये किया नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ भी मत छेड़ना फिनिश फिर ये अचानक से कोड आपके सामने आ जाएगा अब ये कोड जैसे आपके सामने आ जाए इस पे फिर से राइट right क्लिक करो रन एज करो और रन uh, एज के बाद हम क्या करेंगे रन ऑन सर्वर यहाँ पे किया सेव है कोई दिक्कत नहीं सिलेक्ट किया अपना इस पे क्लिक करना ही करना है ठीक है वरना ये जाएगा नहीं नेक्स्ट करो अच्छा ये चीज़ अगर ना हो तो आप कर सकते हो ऑलवेज़ यूज़ दिस सर्वर बट ये मत करना क्योंकि कभी कभी ये कर देते हैं ना फिर दोबारा हमारे सर्वर पूछता नहीं है ये दिक्कत हो जाती है हम चाहते हैं हमेशा वो हमसे पूछे तो so, नेक्स्ट और ये क्या है एग्जिस्टिंग

यहाँ पे आना है वेब ब्राउजर ये वन डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर है अगर मैं जीरो कर दूंगा तो ये इंटरनल वेब ब्राउजर में खुलने लग जाएगा यहाँ पे जीरो एंड इस बार मैं फिर से राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर ये सर्वलेट पे कर रहा हूँ सेम आप प्रोजेक्ट पे भी कर सकते हो क्लिक किया नेक्स्ट किया फिनिश किया ये देखो अब मेरा इसमें इसके अंदर ब्राउजर खुलने लग जाएगा ये भी सपोर्ट करता है ओके यहाँ पे भी क्लिक करते माई प्रोजेक्ट रन एज रन ऑन सर्वर ओके चलो अब यहां से किया रन ऑन सर्वर अब मैं चाहता हूँ एक और नया है ना तो मैंने मैं मैन्युअली किया आचे मैंने कहा 10.1 पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो 10.1 नेक्स्ट अब ये कैसे हो गया क्योंकि ऑलरेडी हमने 10.1 इससे पहले कॉन्फिगर किया था तो यहाँ पे है ठीक है इसने फिर क्या किया नेक्स्ट किया फिनिश कर दोगे अब की बार देखना इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या कोई दिक्कत आएगी कि नहीं ये देखो दिक्कत आ गई स्टार्टिंगाचे टॉमकेट टेन पॉइंट वन वन दिस इज दी प्रॉब्लम नंबर थर्ड जब भी आप एक नए सर्वर पे उसको लॉन्च कर रहे होते पक्का ये चीज देखोगे बच्चे सर पीट लेते हैं इंस्टॉल अन इंस्टॉल सब कुछ कर लेते हैं कुछ वर्कआउट नहीं होता ये कैसे आ रहा है, है? यहाँ पे दो चीज आ रही है थर्ड पर्ड पोर्ट्स एट जीरो जीरो फाइव और एट्टी एट्टी टूल आपसे कुछ कह रहा है कि पहले से ही वो चल रहा है रिक्वायर टॉमकेट लोकल एस्ट आर ऑलरेडी इन यूज बोला ऑलरेडी इन यूज वहां पे याद करो हमने ये कर रखा है ना ये भी हमारा चल रहा है एट्टी एट्टी पे कौन सा चल रहा है नाइन तो ये देखो नाइन भी स्टार्टेड ये भी तो टेन तो से चलेगा टेन स्टॉप हो गया इसको जैसे ही आप क्या कर दोगे बंद कर दो कैसे बंद कर दो डिलीट मत कर देना स्टॉप स्टॉप कर दिया सर्वर पे आओ अब की बार फिर से या तो वहां से क्लिक करो या यहां से करो रन एस रन ऑन सर्वर और इस बार हम कर रहे हैं टेन पॉइंट वन यहां पर आ गया नेक्स्ट Finish. तो इस बार इसने क्या दे दिया एरर दे दिया लेकिन आपका यहां देखो सर्वर चल गया स्टार्टेड अगर, अगर चाहोगे नहीं चलेगा. वैसा ही देगा जो हमको दे रहा था देखो अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको ये देखो एरर आ गया एट जीरो बच सकते हो आपको इस पर डबल क्लिक करो यहां पे किया नाइन पे और एक कर दो आप टेन पे अब ये देखो यहाँ पे टेन का जब पेज खोलेगा इसके अंदर है और यहां पे भी है मैं दोनों सर्वर एक साथ तो नहीं चला रहा एक चल रहा है एक स्टॉप है किसी एक में जाके चेंज कर दो पोर्ट पोर्ट नंबर कर दो एट जीरो जीरो फोर कर दो नाइन के लिए और एट्टी एट्टी से एट्टी वन कर दो बस इतना करना है सेव कंट्रोल सेव जब यहाँ पे ऊपर एक एरो था

चल गया कि नहीं चल गया पेज खुला अब ये आपको ऐसे एरर आता है कि भाई एक सर्वर पे आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है एक पे नहीं चल रहा है तो टेन पॉइंट वन पे चल रहा है नाइन पे नहीं चल रहा है तुम्हारे सामने हुआ ये क्यों हुआ कैसे हुआ ठीक है यहाँ पे ये सेम कोड चला यहाँ पे नहीं चला तो मैंने देखा कोई भी एक पे चलेगा तो अब जब आप देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से टेन पॉइंट की जगह इलेवन हो ट्वेल्व हो फिफ्टीन हो वो देखना लेकिन ये अब पाचे नाइन की गलती है या टेन की गलती है तुम्हारे सर्वर की गलती नहीं है सिर्फ तुम्हारे सेटअप के पूरे जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसकी भी इसमें गलती है बट फिलहाल हमारे दोनों ही टॉमकेट सर्वर चल रहे हैं ये हमको समझ में आया अब इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबी खिंच जाएगी जिसमें मैं आपको सर्वलेट और जेएसपी का पूरा सेटअप बताऊंगा कौन सा किस सर्वर के लिए चल रहा है कब कंपेटेबल है फिलहाल हमने देखा ये नहीं है अब इससे एक अंदाजा ऐसे लगा लेना यहाँ पे जाना एस आर सी मेन जावा माई पैकेज माई सर्वलेट जहां भी आपको ये वाली फाइल दिख जाए जहां भी आपको इंपोर्ट दिख रहा है किसी का कोड कॉपी पेस्ट करके ला रहे हो आपको जावा एक्स दिख रहा है जहां भी आपको जावा एक्स दिख रहा है वहां पर आपको नाइन वर्जन ही अपाचे टॉमकेट का चलेगा जिस भी कोड में आपको इंपोर्ट फाइल ऐसी दिखती हैं नाइन वर्जन अभी तक का आपका स्टेबल वर्जन है जो भी हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी जावा एक्स की ओके okay, जावा आज जो तो सेटअप के, ये, ये के लिए बताना चाहता था स्पेशली जो आप किसी भी टाइम में देख रहे हो चाहे दो साल बाद तीन साल बाद या एक महीने बाद ये वीडियो वर्कआउट करनी चाहिए सेटअप से रिलेटेड सर्वर के तो हमने क्या देखा एक फ्रेश में ऑटोमेटिकली कैसे सेटअप करते हैं एक ऑलरेडी अगर मैनुअल करना हो तो मैनुअल कैसे करते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो आपको अन इंस्टॉल करके एक नया क्लीन चाहिए दोबारा से तो आपको क्या करना है न्यू वर्क पे चला जाना है ओके okay. तो यहां से हमारा काम बन जाएगा तीसरा अगर रन करने मल्टीपल सर्वर तो उनके पोर्ट नंबर और उनके होस्ट नंबर बदल दो एट्टी एट्टी वन कर दो एट जीरो जीरो फोर कर दो वो चीजें बदल दो उसके आगे पीछे के कुछ नंबर बदल दो पीछे के बदलना कोशिश करना आपको ये आ, टिप दे रहा हूं पीछे का नंबर बदलना ओके okay? पीछे के तो so आपका कोई ऑलरेडी सर्वर यूज हो रहा है है ना फिर हमने एक और अनोदर सर्वर को सेटअप किया वो कैसे किया वो भी आपने देखा स्किप कर लेना बेशक पीछे चले जाना ओके okay? जैसे हमने नाइन के बाद टेन किया है ना तो एक already हमारा setup हो गया था। हमको वो वाला आ नहीं रहा था तब हमने किया मल्टीपल सर्वर भी हमने एग्जीक्यूट किए अब हमारी प्रॉब्लम सर्वर right इसके लिए मैंने एक चीज आपको क्या दे दी एक दे दी जहां एक्स की लाइब्रेरी दिख जाए वहां पर अपाचे का इन वर्जन ही अभी तक स्टेबल वर्जन है ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है और अगर आपको जकार्ता ई वाला जब भी आपको इंपोर्ट वाला पैकेज दिखेगा अभी आगे हम जो वीडियो में देखेंगे जकार्ता यहाँ आपको अपाचे के जो न्यू वर्जन है जब भी आप काम कर रहे हो वो डाउनलोड करो ये नहीं कहूंगा टेन करो इलेवन करो जो भी आपका है अगर जिसमें आपका वर्कआउट नहीं किया नहीं चला तो दूसरा करना और इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो अभी अल्फा पे मत करना अल्फा इज नॉट योर स्टेबल ओके okay, तो मेरे को नहीं पता ये इलेवन चलेगा कि नहीं उसमें ऑप्शन भी नहीं आ रहा था तो ये चीज का ध्यान रखना अगर कभी आप मैनुअल कर रहे हो तो जो भी वर्जन आपने उसके अंदर देखा है वही वर्जन क्या आप बाहर से फाइल में लेके आओ जरूरी है क्योंकि दो अलग अलग हो जाती है यहाँ पे जब आप होम पे आओगे होम पे लिखा हुआ है टेन पॉइंट वन जकारता ई टेन को करता है एट पॉइंट नाइन फाइव जावा ई सेवन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को और ये इलेवन इसमें मैंने मतलब बहुत साल गवाए हैं तब मुझे ये सारी चीजें आई हैं बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे हो सकता है पुराने आ, वो चीजें काम कर रही हो पुरानी टेक्नोलॉजी हो तो आपको शिफ्ट ना हुई हो तब आपको पुराना ही अपाचे Tomcat सर्वर सेटअप करना पड़ेगा बच्चे तब दिक्कत लेते हैं बहुत जॉब के टाइम पे भी इनको होती है जकार्ता ई इलेवन इसको सपोर्ट करता हमारा इलेवन वर्जन नाइन वर्जन हमारा क्या था जावा ई एट प्लेटफॉर्म ये हमारा लेटेस्ट था जो सपोर्ट कर रहा है रखना जब तक आपका एक मेजर ना आए दो तीन सालों में कोई मेजर नहीं आएगा ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ओके okay, अगर आएगा तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना कौन सा ई को सपोर्ट कर रहा है अगर अदरवाइज जकार्ता ई वाले को है वो उसके लिए जो हमने अभी करने की कोशिश करी ये वाला कोड जावा एक्स वाला कोड जब टेन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी अपाचे टॉम में ये नहीं चला तो इसको यहां से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कि कैसे वो प्रॉब्लम को हम रिजोल्व करें फिर ये टेन वाले के लिए हम कौन सा एप्लीकेशन बनाए वो जकार्ता वाला कैसे बनाए ओके उन चीजों के लिए आपको बहुत सारी चीजें और समझनी पड़ेंगी उसके लिए आपको समझना होगा कि ये सर्वर क्या होता है कैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा चीजें प्लस कैसे वो सर्वर से सर्वलेट को जाती है जेएसपी को जाता है और ये चीजें वर्क साइकिल चलती है तो एक सर्वलेट जेएसपी का एक अलग से मैं सेटअप फिर से एक और वीडियो में बताने वाला हूँ वाली हमारी ये।, ये बहुत बड़ा पेन होता है पाचे टॉम को सेटअप करने का ये मैंने आज तुम्हारा सारा रिजोल्व कर दिया आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी दो चार सालों तक ठीक है तो जावा डेवलपर सीरीज में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जाना है अगर नहीं विजिट किया है चेक करो चैनल पूरा इसमें डाल रहा हूँ सारी वीडियोस हैं आ रही हैं लास्ट वीडियो जो हमने जहाँ छोड़ी थी यही था हमारा इक्लिप्स का जावा ही जहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलता जब भी आप जब भी आप यहाँ पे फाइल पे आते हो और न्यू डायनेमिक प्रोजेक्ट करते हो ये नहीं मिलता ये भी मैंने पूरा सेटअप करके बताया था ये नहीं देखा जाकर देखना और अब जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ से हम शुरू करेंगे वेदर एप्लीकेशन और ये सब तो इससे पहले से वीडियोस आने लग जाएंगे 11 से 12 ये वाली वीडियो लगेगी